सादिकाबाद ट्रेन हादसे के बाद से ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। कराची, कोयटा और दीगर शहरों से चलने वाली ट्रेनें 1.5 से 8 घंटे तक ताखीर का शिकार हैं। आपको बताएं कि सादिकाबाद ट्रेन हादसे के बाद से ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। कराची, कोयटा और दीगर शहरों से चलने वाली ट्रेनें 1.5 से 8 घंटे तक ताखीर का शिकार हैं। इसी पर बात करते हैं, गुलाम मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी शुक्रिया। कराची से और कोयटा और दीगर शहरों से लाहौर आने और यहाँ से जाने वाली तमाम तर ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। बात की जाए तो पाकिस्तान एक्सप्रेस 5 घंटे 48 मिनट, अवाम एक्सप्रेस 2 घंटे 44 मिनट, ग्रीन लाइन 2 घंटे 20 मिनट, पाक बिजनेस 7 घंटे 45 मिनट, काराक्रम एक्सप्रेस 5 घंटे 40 मिनट, फरीद एक्सप्रेस 3 घंटे। इसी तरह दूसरी ट्रेनें भी जो लेट हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन जब से ये हादसा हो रहे हैं तो मुसाफिरों में खौफ और आस भी फैला हुआ है कि वो जो बस के सफ़र को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि हादसा बढ़ते जा रहे हैं। हमने ये देखा है कि इसी महीने तकरीबन 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं ट्रेनों के, जिसकी वजह से मुसाफिर जो बसों पर सफ़र करने को तरजीह दे रहे हैं, और रेलवे इंतजामिया पे नाला भी नज़र आते हैं और कह रहे हैं कि क्योंकि वजीर रेलवे की जानिब से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो रेलवे की बेहतरी के लिए नहीं है, जबकि पहले रेलवे का निज़ाम कुछ बेहतर था। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी बरवक्त हो रही थी, लेकिन जैसे ही वजीर रेलवे की जानिब से मुतद्दिद नई ट्रेनें चलाएंगी, तो जिसके बाद जो रेलवे की जो आमदोरफ्त ट्रेनों की बरवक्त नहीं हो पा रही, और मुसाफिर भी जो वजीर रेलवे पे और रेलवे इंतजामिया पर खासे गुस्से में दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा।